जानते हैं कि वृश्चिक राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं आखिरकार वो कैसे पा सकती हैं आज अखंड सुहाग का वरदान। पंडित जी बताइए। आज करवा चौथ का पवित्र दिन है। वृश्चिक राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि लाल रंग के गणेश जी की प्रतिमा की आप आराधना करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। गणेश जी के सामने लाल रंग से रंगे हुए चावल अर्पित करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि चावलों की संख्या 108 से कम अथवा ज्यादा न हो। श्री विघ्न हरण संकट हरणाय नमः इस मंत्र का आप एक माला जप करें, निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके पति को पूर्णायु की प्राप्ति होगी और आप अखंड सौभाग्यवती होकर के इस जगत में हर प्रकार की मनोकामनाओं से परिपूर्ण होकर के अपना जीवन जिएंगे। तो भाई आज का दिन ये बेहद खास करवा चौथ का दिन है, खास तौर पर सुहागिनों का दिन है। ऐसे में किस तरह से आप अपने सुहाग की लंबी आयु की आज कामना कर रही हैं उसे पूर्ण करने का प्रयास हमारी ओर से हो रहा है। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई हैं, सीमा जी झांसी से स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो, मेरी उम्र 35 साल है। मेरा सवाल ये है कि मेरी 8 साल की एक बेटी है और मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, मुझे बेटा कब प्राप्त होगा? देखिए, सही बात तो ये है कि शनि बुध की युति बनी हुई है, आप प्रयास करेंगी निश्चित रूप से तत्काल आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि महाशिवरात्रि आ रही है, उस दिन आप गाय के दूध से भगवान शिव का एक बार अभिषेक करिए और एक सोने का 2 ग्राम का नाग बनवा करके वो गणेश जी भगवान शिव के शिवलिंग पर उसे आप अर्पित कीजिए, ब्राह्मण को दान कीजिए। निश्चित रूप से निकट भविष्य में आपको संतान प्राप्ति होगी और पुत्र प्राप्ति होगी। आखिरकार कैसे पाएं आज के इस खास दिन अखंड सुहाग का अमर वरदान, कैसे करें करवा चौथ की पूजा, ये आप सभी को आज पंडित जी बता रहे हैं। राशि दशा अब बारी आती है धनुराशि की, जानते हैं धनुराशि की सुहागिन महिलाओं को आखिरकार क्या करना है आज के शुभ मौके पर ताकि उनकी जो मुराद है वो पूर्ण हो जाए। पंडित जी बताइए। धनुराशि की सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि आप पीले रंग के गणेश जी का चित्र, गणेश जी की प्रतिमा अपने घर ले आइए और हल्दी के 5 गांठ श्री गणाधिपतये नमः का जप करते हुए गणेश प्रतिमा पर आप अर्पित करें। 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगा करके श्री गजवक्त्रम नमो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने पर भगवान गणेश सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और निश्चित रूप से आपको दीर्घायु, आपका पति दीर्घायु होता है और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं कानपुर के रहने वाले सुरेश कुमार, इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? इनका जन्म 24 फरवरी 1976 को 6:51 पर सायंकाल कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और इनकी जन्म राशि धनु है। इनके जन्म लग्न का स्वामी सूर्य 7वें घर में इनके विवाह स्थान में बैठा हुआ है और विवाह स्थान का स्वामी शनि इनके व्यय स्थान में बैठा हुआ है। इनका भाग्य का स्वामी मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है और इस समय चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 22 दिसंबर 2013 तक रहेगा। आपको चाहिए कि आप मूंगा, पुखराज और माणिक्य ये 3 रत्न आप धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें और अग्नि से, विस्फोटक से और इंजन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं, धातु से जुड़ा हुआ कोई व्यापार आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सुरेश जी उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। जो सुहागिन महिलाएं आज अपने पतियों के लिए व्रत रख रही हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है और उसी लिए पंडित जी आपको बता रहे हैं कुछ खास उपाय। चलिए इसी के साथ रुक कर रहे हैं हमारी अगली राशि का जो की है मकर राशि। मकर राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं आज के इस खास दिन उनको क्या करना है, पति की लंबी कामना कर रही हैं, व्रत रख रही हैं, ऐसे में क्या खास उपाय कर सकती हैं ताकि उनकी जो मुराद है वो पूर्ण हो, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि नीले रंग के गणेश जी की आप आराधना करें, भगवान श्री गणेश को काले तिल आप समर्पित करें या काले तिल से बना हुआ
मीठा, गुड़ में काला तिल डाल करके ऐसी भी वस्तु आप दुर्वांकुर और लाल रंग के फूल के साथ श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को अर्पित करें। गणेश अथर्वशीर्ष, कहा जाता है कि यदि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लिया जाए तो गणेश की सारी अनुकंपा व्यक्ति को मिलती है। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप कर लेती हैं तो निश्चित रूप से आपके विघ्नों का निवारण होगा और आपके पति को चिरंजीवी जीवन प्राप्त होगा जिससे आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। बात करते हैं इसी के साथ अगली राशि की, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की सुहागिन महिलाएं आज के इस खास दिन क्या कर सकती हैं ताकि उनकी जो मुराद है, उनकी जो कामना है वो पूर्ण हो, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि नीले रंग की गणेश प्रतिमा, आसमानी रंग की गणेश प्रतिमा की आप आराधना करें। श्री गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और उनके मस्तक के बीच में हल्दी का तिलक, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे, तो कहने का मतलब हल्दी और अक्षत, ये दोनों चीजें उनके माथे पर समर्पित कीजिए। आज हाथी को लड्डू या गुड़ रोटी अगर आप खिलाते हैं और 108 दुर्वांकुर गणेश जी को चढ़ाते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अंत में अब बात कर लेते हैं मीन राशि की सुहागिन महिलाओं की और जानते हैं कि जो मीन राशि की सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें आज कौन से खास उपाय करके मिल सकती है पति की लंबी उम्र का वरदान, उनकी कामना जो है वो पूर्ण हो सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि की जो महिलाएं हैं, मीन राशि की जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें चाहिए कि आज हल्दी के रंग की गणेश जी की आराधना करें। हल्दी की जड़ पर 8 बार ओम गं 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 गं, 5 बार गं श्री गजाय नमः लिख करके भगवान श्री गणेश जी को समर्पण करें। पीले रंग के धागे में पीले फूल व दुर्वांकुर की माला बना करके गणेश जी को समर्पित करें। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा और आपका यह कठिन व्रत गणेश जी की कृपा से पूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से आज पूरे दिन आपने कठिन व्रत किया है, आप सम्मान के योग्य हैं। आज पूरे दिन आप दुनियादारी के चक्करों को छोड़ करके या तो अपने श्रृंगार पर ध्यान दें या गणेश जी का हर समय चिंतन करें और अपने पति के लंबी उम्र के लिए श्री गणेश जी से प्रार्थना करें और पति का पुरुषार्थ बढ़े, यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए सभी महिलाओं को चाहिए कि आज भगवान गणेश की प्रार्थना बड़े मन से करें। फैजाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सोनू जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। सोनू जी टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ सर, पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा जी, हम सोनू बोल रहे हैं फैजाबाद से, हमारी जन्म तिथि 8/5/1990। जी जी, हम जानना चाहते कि हमारी नौकरी लग सकती है। देखिए, मंगल और शनि का इत्तेसाल हो रहा है तो नौकरी तो आपकी जरूर लग सकती है और ज्यादा विलम्ब की स्थिति भी नहीं है, आपकी नौकरी शीघ्र लग सकती है। 2014 में आपकी नौकरी लग जाएगी। 25वां साल आपके भाग्योदय का साल है। आपको चाहिए कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाया करिए और हनुमान जी का दर्शन जरूर किया करिए। झारखंड से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंकित नाम है इनका, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। 12 साल मेरा जन्म 2001 को हुआ। जी सवाल बोलिए। जी मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। मेरे जी हमेशा बीमार रहते हैं। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मम्मी पापा से कहें कि एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 8000 आहुति हवन करवा दें। काला तिल, घी, चीनी, शहद से शिववास का जिस दिन मुहूर्त हो किसी अच्छे ब्राह्मण से समझ करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके 8000 महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन करवा दें तो आपके स्वास्थ्य में अवश्य सुधार होगा। पंडित जी आज का दिन बेहद खास है, करवा चौथ का इस खास दिन है। वैसे तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सभी का यही प्रयास रहेगा कि आज के इस खास दिन उनसे कोई भी चूक ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई चूक हो जाती है तो ऐसे में क्या करें ताकि उनका व्रत जो है वो सफल हो जाए। गणेश जी को मन से गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर लें। आपके पूजा में कोई कमी, कोई ज्यादा गलती होती है तो आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरे अज्ञानता को आप क्षमा करके मेरे पति को निरोगी जीवन दीजिए और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।